वही होगा बैक टू अड तो आज की वीडियो की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम देखेंगे किया की सोनेट इसको हम एक ऐसी गाड़ी के साथ कंपेयर करने वाले हैं जो उसके साथ मिड में आती है लेकिन यार वो गाड़ी लेना वर्थ नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंगली क्योंकि उसके ना नया नया स्लिफ्टर वर्जन आने वाला है थम ले आपने वो गाड़ी देख ही ली है तो प्लीज़ यार सोच समझ के लेना गाड़ी अगर लोगे ना ठीक है तो किया सोनेट काफ़ी ज़्यादा मेजिंग गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रजेंस अच्छी बन चुकी है इंडियन मार्केट्स में ठीक है ना मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है अभी पिछली वाली भी सुंदर लगती थी लेकिन अभी वाली इसलिए पसंद है क्योंकि दो गाड़ियों की मतलब दो गाड़ी को इंस्पिरेशन हो गई है ना तो सुंदर लगती है गाड़ी ठीक है ना क्या सोन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ीचर्स के साथ आती है काफ़ी ज़्यादा सही से फीचर्स से ऑफर करती थी अपने सेगमेंट्स में ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस सेगमेंट का अंतर है ब्रैकेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हाँ मिनिमम प्राइस है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही जैसे जो वेरियंट सात लाख से स्टार्ट होगा वो वो नई अपग्रेडेड वाले में सात लाख तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार से स्टार्ट होगा बस इतना रिफ्रेंस पाया गया ठीक है ना दोनों ही गाड़ियों में तो यही था एक शॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कियाट काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी ब्रांड है काफ़ी अच्छी अपनी इमेज बना ली है इंडियन मार्केट्स में ठीक है ना अच्छा अच्छी सेल आउट्स हो जाती फिगर्स भी अच्छे हैं की सोलट अच्छी सेल आउट होती है अब तो इतनी किया ग्रांडेबल्स भी आने वाली है नई वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेटिजन मिल रहा था कि पुरानी लॉन्च कर रही है सो ये सब था दूसरी अपनी गाड़ी रहने वाली महिंद्रा की एक्स यू वी तीन सौ या देखो पर्सली मैंने क्यों लिखा है थमदेल भाई कि ये गाड़ी मत लेना डोंट बाय दिस क्योंकि इसका अपग्रेडेड वर्जन रिसेंटली बहुत जगह ना टेमोफ्लावर्स में टीस किया गया है शॉर्ट्स मिले हैं इसके ठीक है ना मतलब ये है कि इसका लॉन्च पक्का है अपग्रेडेड वर्जन का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के मिड में या एंड तक वो आ जाएगा अब देखो आप एक नई गाड़ी लो आठ नौ महीने बाद वो पुरानी हो जाए उसको उतना आपको फ़ीचर्स नहीं मिले ना तो कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी लेने का ठीक है ना तो इसलिए मैंने लिखा था कि टू वायरेज का फीतिन गाड़ी बहुत अच्छी है डिगरा तो फ्रंट से देख लेंगे दोनों की प्रोफाइल अच्छी है काफ़िल असर से लुक्स आपको मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों पे लाइट्स देखो दोनों ही गाड़ियों की अब तो सेम कर दी गई है तो ऐसा तो आया नहीं कुछ अलग ही डिफरेंस होगा दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिल जाते हैं सब चीज़ें और फ्रंट्स में एल दोनों का यूज़ है ब्रथ में शोल्डर स्पेस आपको नो डाउट एक्स में ज़्यादा मिलेगी आपको कम मिलेगी थोड़ी बहुत किया में तो यही था फ्रंट प्रोफाइल से ठीक है ना तो बात कर लेते हैं इन दोनों की बैक प्रोफाइल से बैक प्रोफाइल में मैं स्ट्रीट अवे कह सकता हूँ यार किया सोनेट मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है किया सोनेट और क्यों लगती है क्योंकि एक अपीलिंग लुक है यार उस गाड़ी की ठीक है ना बहुत अच्छी लुक्स आती हैं उसकी मतलब प्रेजेंस है उसमें वही पैक्सी हुई में इतना प्रेजेंस को नहीं लगता रोड प्रेजेंस बैक प्रोफाइल से वो दे पाएगी और हाइट आप देख सकते हैं सोनेट की ज़्यादा है तो सोनेट वाइज आपको हेड स्पेस थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा लेकिन अपनी लुक्स की बात करें सॉरी साइड प्रोफाइल से बात कर लेना साइड से दोनों ही लुक्स बढ़िया मिल जाती हैं आपको दोनों में ही ना पर्सनली मेरे को सॉलेट के लुक्स ज़्यादा पसंद आई टू बी वेरी फ्रेंक क्योंकि मैं ऐसा नहीं ठीक है ना इंडियन ब्रांड है तो ज़्यादा डिफ्रेंस आएगा ये नो डाउट किया मेरे को बैटर लगी साइड प्रोफाइल वाइज ठीक है न और चॉइस अपनी जो आपको पसंद है वो चूज़ करो ठीक है ना बाकी सब तो सेम ही है गाड़ी में दोनों गाड़ियाँ बढ़िया है दोनों गाड़ी सुंदर लगती है इंडिया दोनों गाड़ियों का बढ़िया है लेकिन पर्सनली किया सोन का ज़्यादा बढ़िया है एक्स यू वी का ना बहुत पुराना ऋज्स लगता है तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया एक्स यू वी वाला आई होप आप सबको भी पसंद नहीं आया यार देखो एक तरफ किया का देखो स्टार्टिंग वाली कीयर का भी ना इट डियर सेम ही था ऐसा नहीं है कि ये चेंज दिया गया ठीक है जो इनका फेस लिप्टर वर्जन है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम चेंजेस करे गए जैसे एडास दे दिया थ्री सिक्सटी कैमरा दे दिया इंस्ट्रोमेंट तो क्लस्टर अपग्रेड कर जाइए और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है तो पहले वाले ड्रेव भी किया गया ज़्यादा बेटर था सो स्ट्रेट फॉर्म वो आप कर लेते हैं यार अपनी एक्स यू वी के बारे में ठीक है ना काफ़ी अंदर अच्छी गाड़ी थी काफ़ी अंदर सुंदर गाड़ी थी आ, थी क्या है एक्चुअली लेकिन अब तो इसका अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है देखो इन गाड़ियों में ना डस्ट सो फोटा मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि यार तेरह चौदह लाख से ऊपर नहीं देना चाहिए ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं तो जो मैंने इसका वेरियंट है ना ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा कम पावर वाला है दोनों में ही टर्बो इंजन सुनते हैं तो पावर आपको भरपूर मिलने वाला है तो जो एक्स यू वी थ्री हंड्रेड का मेरा वेरियंट है वो है एक्स्यू वी थ्री टर्बो जो जो एक्स यू स्टार्ट हो जाता है टेन लैस फिफ्टी वन थाउजेंड से ठीक है ना ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको ऑन रोड डेली पड़ जाएगा बारह लाख सत्रह हज़ार का आप कॉमेट करना आप कौन सी स्टेट से रहते हैं कौन सी सिटी से रहता है मैं आपको ऑन रोड प्राइस निकाल के दे दूंगा एडिशन वाली बात नहीं है आठ तो एक ही रहता है तो आप स्टेट गवर्मेंट्स करना मैं उसका भी प्राइस दे दूंगा तो यह डब्ल्यू सिक्स वेरियड है काफी ज्यादा अच्छा वेरियड है टर्बो इसमें आपको ऑफर किया गया तो यार पावर लैग तो नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको टू व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा बारह सौ का इंजन मिलेगा एक सौ अट्ठाईस पावर मिलेगी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल में गाड़ी रहने वाली है देखो एक चीज़ है ना काफी ज्यादा पहले से गाड़ी लॉन्च होती गई है तो इसकी सेल्स फिगर भी एक बार देख लेते हैं आप सेल्स देख लो एक सौ तीन सौ की नवंबर दो में चार हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी गई है तो यार देखो काफ़ी तागड़ा सीन सी अब थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रही है क्योंकि सबको पता चल गया इसका नया वेरियंट आ रहा है तो कोई भी इस गाड़ी को नहीं लेना चाह रहा है पिछले नवंबर को देखो तो आप मतलब अप्रॉक्स छः हजार है भाई वो यूनिट्स और मैं थार देखो अलग ही बिक्री है पता नहीं कौन ले रहा है इतनी महंगी गाड़ी लेकिन थार थार है उसकी अलग ही लगी सीटी है ना तो ये थोड़ा बहुत सेल फिगर्स मैंने आपको अवेयर कर दिया है तो बात कर ले दो तीस यूनिट में टॉप मिलेगा लेगा तीस चीजें थोड़ा बहुत छोटा इंजन मिलेगा वो उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ठीक है बूथ स्पेस में आपको टू फिफ्टी सेवन लीटर्स की मिल जाएगी फोर्टी टू लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग मिल जाएगा एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिल जाएंगे जो बाहर वाले हैं ठीक है ना लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा पावर विंडोज मिल जाएंगे पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा आपको एलोविल्स नहीं मिलेंगे फॉग लाइट्स नहीं मिलेंगे फ्रंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और टच स्क्रीन भी इस प्राइस सेगमेंट वाली गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा टर्बो तो चार्ज इंजन रहने वाला है स्पीड का गियर बॉक्स है वाले है ना टॉप स्पीड इसकी वन सेवेंटी फाइव की है तो का वेदर से ही इसका जो नया वेरियट आया था ना फास्टेस्ट एस्यूमेट सिगमर्स का रेट जो तीस किया था उसमें भी थी पावर मिलती यार आपको ठीक है ना इसमें जो आपको व्हील बेस मिल जाता है छब्बीस सौ एम एम का ठीक है ना आपको बढ़िया बढ़िया पावर बूट मिल जाएगा एयर कंडीशन मिल जाएगा हीटर मिल जाएगा मैराटी मिरर मिल जाएगा ऐसे सारे के पावर आउटलेट्स मिल जाएंगे एडजस्टबल हेड मिल जाएंगे तो यार देखो ऐसा तो नहीं है कि फीचर्स बहुत ज़्यादा कम मिलता है फीचर्स आपको सही से मिल जाता है डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा डोर टोन डैशबोर्ड मिल जाएगा जो अब कंपार्टमेंट मिल जाएगा फैब्रिक के बहुत सी मिलेगी इंटीरियर मैं आपको टैबो मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर मल्टी ट्रिप मीटर मिल जाएगा तो गाड़ी ना नो डाउट अच्छा खासा आपको पावर फीचर्स ऑफर कर देती है एंटीना मिल जाएगा आपको गाड़ी में रूफ रूफरेल्स मिल जाएंगे हेलोजन हेडलेप्स मिलेंगे ठीक है तो ये था ओवरऑल यार इस गाड़ी के बारे में आप स्ट्रेट फॉर बात कर लेते हैं किया सोरेट के बारे में देखो यार किया सोरेट के प्राइस तो अभी शायद से रिव्यू नहीं हुआ है अभी तक ये टायर नहीं है बुकिंग स्टार्ट हुई है तो पहले वाला वेली जो टर्बो में आता था इसका किया सोरेट एच टी के प्लस टर्बो या आता था दस लाख पचास हज़ार से एक्स शोरूम डेली का और ऑन रोड पड़ जाता था बारह लाख आठ हज़ार का तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं सिर्फ दस हज़ार का ऑन रोड का डिफरेंस है अब वाली जो आएगी ना हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तीस हज़ार अब कर लूँ मतलब बारह लाख तीस हज़ार बारह लाख चालीस हज़ार बारह लाख पचास हज़ार के और उस आस पास ना आपको एच टी के प्लस मिल जाएगा टर्बोवर जो देता है आपको एक सौ अट्ठारह वी एच पी की पावर आपको टू व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा ठीक है ना तो बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या मिल जाता है छः मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा पूरी ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर मिल जाएगा आपको आठ इंच का टच स्क्रीन वायरलेस है ड्रोड वायरलेस और वो एंड्रॉयडल पे मिल जाएगा जो बढ़िया बात है एक्सेल में आपको ऑफर नहीं हो रहा था एल मिल जाएगी आपको ठीक है ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है शायद से जो महिंद्रा एक्स वी थ्री डबल होगा नया वेरा वेरियंट्स आने वाला है ना अपग्रेडेड वाला या सेकेंड जनरेशन के लोग उस वही आपको एल मिलेंगी बेस से ही स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है ना आपको फोर्प टू इंच इसका कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा इस गाड़ी में आपको डैमेस की बात कर लें गाड़ी काफ़ी अद्धा ये व्हील बेसिस में आपको पच्चीस सौ एम मिल जाता है बूट स्पेस की बात कर लें तो इसमें थ्री एटी फाइव लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है एक्चुअली की बात कर लें, आपको, so Dual -Dual कर लें कर तो आपको सोलह इंच के अलावा व्हील्स मिल जाते हैं डूबल टोन स्टाइल व्हील्स है ठीक है ना बॉडी कलर फ्रंट एंड या बम्पर मिल जाएंगे ठीक है ना साइड मोल्डिंग मिल जाएगी ठीक है ना काफ़ी अद्धा से एल ई से ऑफर करिए तो सेफ्टी वाइज भी रहता है शांक इंटीरियर भी, भी मिल जाएगा हाई माउंट टॉप ले गाड़ी में आपको मिल जाएगा और बात करें इन्फोटेनमेंट की चार स्पीकर दो टिटर ब्लूटूथ मल्टी कनेक्शन मिल जाएगा इसमें आपको स्टेरिंग माउंटेड ऑडो कंट्रोल मिल जाएंगे रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा गाइडलाइंस के साथ रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा ठीक है ना ड्राइविंग रियर व्यू वाला ठीक है ना तो नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही है सेफ्टी वाइज भी बात करें कन्वीनियंस की टिलड ग्लासेस मिल जाएंगे बैटरी सेविंग मिल जाएगा टिलड टाइप स्टेयरिंग मिल जाएगा रियर डिफॉगर मिल जाएगा कोड का हुक मतलब ये तो सारे बेसिक नेसेसरी के विचे से जो आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं आपको मिल जाएंगे तो गाड़ी ये भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन एक बार मैं कहूँगा अपने परस्पेक्टिव से एक बार वेट कन्वर्स भी थींस होगा क्या पता उसकी लुक्स आपको ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि ये तो देखो इंस्पायरिडिंग कह है सकते हैं गैस ऑनरेट को लेकिन हाँ बढ़िया है <laughs> सेफ्टी की बात कर ले तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाएगा ब्रेक फोर असिस्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा फ्रंट वेल एयरबैग्स मिल जाएंगे फ्रंट साइड ई सीट एयरबैग्स मिल जाएंगे साइड कर्टन्स मिल जाएंगे थ्री पॉइंट एट सीट बेल्ट मिल जाएंगे पीछे जो काफ़ी अदर सही है सेफ्टी वाइज देखो ओवरऑल एक्सपेक्ट है सेफ्टी वाइज तो सारे फीचर्स डाल देंगे एडास भी डाल देंगे मतलब खुद गाड़ी चलेगी खुद गाड़ी पड़ जाएगी खुद गाड़ी ब्रेक लगा देगी खुद गाड़ी रिवर्स होकर पार्क कर देगी ये सब सी फीचर्स एक तरफ और बिल्ड क्वालिटी एक तरफ ये मैटर करता है।, so, तो है तो वो देखना होगा जब इसकी एन का ब्रीडिंग आएगी अब तो भारत एन केफ भी आ चुका है तो वो देख रहा होगा कि जब इसकी एन का ब्रीडिंग आएंगी तो क्या ऑफर ये करती है वीडियो में मिलता है ओवरऑल वीडियो ये पैंड होती है तो आपको कैसी लगी वीडियो ये कमेंट्स में जरूर वीडियो के लिए लेता रहता है टिल देन बाय बाय अगर अपनी वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ आर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब